SRK revives his friendship with Arjun Rampal. No problem between Shah Rukh Khan and me, says Arjun Rampal. ये हेडलाइंस थी हर टैबलॉइड की बड़ी खबर। जब राह वन के वक्त आई थी, शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल के बीच आई एक अपेरेंट रिफ्ट की खबर। लेकिन आज बी टुनाइट पर अर्जुन के जिस स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम हम करने जा रहे हैं, उससे इन हेडलाइंस पर बिलीव करना हो जाएगा थोड़ा मुश्किल। जिस डॉन की प्रमोशनल स्ट्रेटजीज की लोग तारीफें करते हैं, जिसे लोग बुलाते हैं मार्केटिंग गुरु, उसी सुपरस्टार की प्रमोशनल स्ट्रेटजीज पर सीधा तो नहीं लेकिन एक तीखा वार किया है अर्जुन रामपाल ने। अभी अगर मैं एक ऑडियंस था और बिसाइड्स अ गाय कमिंग एंड वेविंग टू मी इन अ मॉल या मेकिंग मी हियर अ सॉन्ग या सीइंग मी डांस और पिकिंग अप समबडी फ्रॉम द ऑडियंस एंड डांसिंग विद देम, वो मेरे को एक सीन दिखाते और बोलते तुम्हें क्या लग रहा है सीन, अच्छा लगता है। अर्जुन के स्टेटमेंट को सुनकर यूं तो आप कहेंगे कि ये तो आजकल हर स्टार करता है, तो फिर एसआरके ही क्यों है रेडार में? So listen where the catch is. अभी अगर मैं एक ऑडियंस था और बिसाइड्स अ गाय कमिंग एंड वेविंग टू मी इन अ मॉल या मेकिंग मी हियर अ सॉन्ग या सीइंग मी डांस और पिकिंग अप समबडी फ्रॉम द ऑडियंस एंड डांसिंग विद देम, पिकिंग अप समबडी फ्रॉम द ऑडियंस एंड डांसिंग विद देम। अब ये तो सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री में प्रोमिनेंटली अगर कोई स्टार है जो अपने एक्ट्स या प्रमोशंस पर ऑडियंस को इस वे में इन्वॉल्व करता है तो वो शाहरुख खान ही है। ऐसे में नाम न लेकर अर्जुन ने कहीं ना कहीं एसआरके पर निशाना तो लगा ही दिया है। और सिर्फ एसआरके ही क्यों, आजकल मोनोटोनस स्टाइल में प्रमोशंस करने वाले हर स्टार को भी अर्जुन ने नहीं किया स्पेय। प्रमोशंस पर जाते हैं, किधर नाचते हैं, गाते हैं, हाथ हिलाते हैं मॉल में, सीडीज फेंकते हैं, ये क्या प्रमोशन हुआ? मेरे ख्याल से नहीं, शायद वो चलता था एक जमाने में, एक तारीख में। वेल अर्जुन, सीडी तो आपने खुद एसआरके के साथ फेंकी थी ऑडियंसेस में व्हाइल प्रमोटिंग रा वन। खैर इतना ही नहीं, अर्जुन ने ऐसा भी कहा कि आजकल तो स्टार्स रा चलते कहीं भी दिख जाते हैं एंड देयर इज नो मिस्ट्री एंड एक्साइटमेंट लेफ्ट टू सी देम। एक्टर्स तो सब जगह घूमते रहते हैं, यू नो, तो वो जो एक मिस्ट्री थी, जो एक मजा था एक कलाकार को देखने का, जो मेरे टाइम पे जब मैं बच्चा था और मैं बड़ा हो रहा था और एक एक्टर को देखता था तो आई वुड बी कम्प्लीटली शॉक्ड। अभी तो सब ऐसे ही घूमते रहते तो रास्ते पे भी मिल जाते तो कोई उनको पूछता नहीं। ईद पर आने वाली चेन्नई एक्सप्रेस को एसआरके हर जगह प्रमोट कर रहे हैं, बी इट रियलिटी शोज, बी द ड्रामेटिक म्यूजिक लॉन्च, एसआरके इज एवरीवेयर। तो कहीं अर्जुन एसआरके के इसी बिहेवियर की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? अर्जुन रामपाल, हु जॉइन द एसआरके कैंप आफ्टर वर्किंग विद हिम इन ओम शांति ओम, रिपोर्टेडली हैड अ फॉलआउट विद हिम ओवर कट्स मेड टू अर्जुन रोल इन रावण। Then came the final blow when it was reported that Arjun tried persuading Shah Rukh Khan to put an end to his alleged affair with Priyanka Chopra. Shah Rukh Khan apparently didn't appreciate his pal's advice and cut ties with him for excessive interference in his personal life. In sab ke baad inke beech mein patch-up ki khabrein bhi aayin, but things never got back to what they were. Besides targeting SRK's promotional strategies, Arjun didn't spare SRK's film's Eid release. Ye khabar भी हमने आपको दी कि कैसे अर्जुन है खफा अबाउट नॉट हैविंग एन ईद रिलीज, जिसका फायदा इस बार एसआरके की चेन्नई एक्सप्रेस अकेले उठाने वाली है। ऐसे में दोस्ती को अलग रख, अर्जुन रामपाल एसआरके के सामने खड़े रहने को भी हैं तैयार। एक तरफ होते शाहरुख खान और तीन एक तरफ होते अर्जुन एंड इरफान एंड ऋषि कपूर। हां तो वो भी मुझे ठीक है, वो चल जाता था। अब एसआरके की ही तरह प्रमोशंस करने के तरीके को एज ओल्ड बताना, एसआरके के ब्रांड्स का राइवल ब्रांड एंडोर्स करना शायद प्रैक्टिकली एक कोइंसिडेंस या फिर एक प्रोफेशनल कॉल कहा जा सकता है, बट टू लुक थ्रू द सरफेस doesn't look like SRK and Arjun are back to being best of buddies the way they were. So, if you feel that the Cold War is still on between SRK and Arjun Rampal, then share your views on Twitter at Zoom TV with hashtag BTonight. Bureau Report, Zoom, Mumbai.